गली में एक बार हमको बोल दिए थे कि तुमको यहाँ से हम विदा करके मानेंगे, तो फिर मेरा वादा है। नीतीश कुमार के तो पहले समाचार में भी हम लोग सुनते हैं कि नहीं रोड रास्ता जल पानी नल जल का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहाँ हुआ है? साल भर पानी है ले ली, रोपे सो है, लड़का पढ़े नहीं कर सकता तो अभी स्कूल में क्या पढ़ने का फायदा? एक महीना पढ़ते हैं तो छह महीना पढ़ते हैं, बाकी को जो से बरसात को जो से घर में रहते हैं बच्चे। रास्ता कौन देता है? जिसका जमीन है वो बोल रहा है कि मेरा जमीन है, जेसीबी लगा के बढ़वा देंगे, घर भी फंसवा देंगे, तो हम लोग रहेंगे किधर? 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है और तमाम पार्टियां जो है दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर गई हैं। तमाम पार्टियां जो है कह रही है कि हमने बिहार में जनता के लिए ये किया वो किया, शिक्षा के लिए किया, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए अच्छे सड़कें बनाई, लेकिन इसी मसले को लेकर अभी हमारी मौजूदगी जो है बिहार के बक्सर जिला के नवानगर प्रखंड के रेका गाँव के राजभर समाज के बस्ती में है, जहाँ पर आज़ादी के 76 साल बीतने के बावजूद भी और देश का निजाम जो कहता है कि हम अमृतकाल महोत्सव में जी रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज़ादी के 76 साल अमृतकाल महोत्सव में लोगों की स्थिति यह है कि ना तो इनके पास अच्छी पढ़ाई करने के लिए कोई स्कूल है और ना ही कोई सड़क ही यहाँ पर पक्की बनी है। तमाम लोग देखिए राजभर जाति से बिलोंग करते हैं और इसको लेकर सरकार के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी जो है हो रही है। क्या नाम है आपका? मुन्ना राजभर। किस लिए अपना जमावड़ा लगाए हैं आप? इसलिए जमावड़ा लगाए हैं सर, हाँ, कि यहाँ पे इतने हम लोग दबाव के बस्ती में रह रहे हैं, इतने दबाव में रह रहे हैं हम। कौन दबा रहा है? कौन दबा रहे हैं यहाँ पे? देखिए जिनका जमीन है वो दबा रहे हैं हम लोग को। अच्छा। इसलिए कि देसी पी अभी दो चार दिन पहले आया था कोड़ने के लिए, बोलते थे कि हमारा निजी जमीन में है, लेकिन वो ही कौन बोलता था, नाम बताइए। जाते केदार उपाध्याय का लड़का थे उपेंद्र उपाध्याय, लाल बाबू उपाध्याय उनका लड़का थे, दो उनका लड़का का नाम हम नहीं जानते हैं, लेकिन एक नाम भोला है, वो सब वो लोग बोलते थे। केदार उपाध्याय का लड़का थे वो ध्रुप उपाध्याय, ये क्या बोलते हैं, ध्रुप उपाध्याय भी हमको और बबलू उपाध्याय भी बोलते हैं हमको कि तू जमीन ले लिया, जमीन लिए है यहाँ पे, जमीन लिए है, हमको बार बार दबाव आता है। गली में एक बार हमको बोल दिए थे कि तुमको यहाँ से हम विदा करके मानेंगे, तो फिर मेरा वादा है, ये बोले थे। क्या करते हैं आप? मांग हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम रास्ता के लिए सर मांग करते हैं, वही खुद यहाँ पे माटी गिराए हुए थे, वही गिराए हुए थे, तो हमने बोला कि जब आप देसी पिला दिए तो हम लोग उस दिन रोक दिए थे, उस दिन हमारे फेफेले में हाथ लगा कर उसने फेंक दिए, जिनका नाम लाल बाबू उपाध्याय है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं कि सड़क सुरक्षा शर्त बन गया है, सड़क तो पक्की कर दिए हैं। हाँ, वो तो बोलते हैं, तो कहाँ पे पक्की किए हैं? पक्की नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है ये तो बोलते हैं नीतीश कुमार के, तो पहले समाचार में भी हम लोग सुनते हैं कि नहीं रोड रास्ता जल पानी नल जल का व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहाँ हुआ है? नहीं हुआ है। देखने वाले बताए हैं तो आप इंक्वायरी कीजिए, देखिए गली गली घूम करके देखिए, हम ये दवा रखते हैं और यहाँ पे हम लोग माटी गिराए हुए अपना चंदा से, 250 टाली गिराए है, 2016 में गिराए हुए हैं, पांचवा महीना में गिराए हुए हैं, जो कि यहाँ पे सुन लीजिए। हाँ, राजभर का नाम सुने हैं? हाँ, आपके नेता है ना? जी, ओम प्रकाश राजभर हमारे नेता है, हम लगाए, देखिए वहाँ पे इनका फोटो लगाए हुए हैं, फोटो लगाए हुए हैं। आपके नेता ही तो नीतीश जी के साथ चले गए हैं? तो चले गए हैं, तो वही समस्या के अनुसंधान निकलेगा, समस्या हमारा आ गया है, तभी हम अब वहाँ पे नारा लगाएंगे, हम घेरा भी करेंगे। वीडियो देख रहे हैं ओपी राजभर जी, वीडियो देख रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे कोई भी देख ले, चाहे प्रधानमंत्री भी देख ले, हम तो इनको क्या चलाते हैं, हम यहाँ पर राष्ट्रपति को मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को क्या करके हमारा समस्या को यहाँ पर देखे, हकीकत हकीकत, दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे कर दे। तो देखिए आजादी के 76 साल बाद के राजभर समाज के जो गली है, गलियों का क्या हाल है, सड़कों का क्या हाल है, अगर आपको देखना है तो आप आ जाइए रेका गांव में। हम कोई नेता नहीं है, आप यहाँ पे व्यक्ति व्यक्ति से जान लीजिए, हम ये नहीं है कि क्या समस्या हमारा, समस्या का बात क्या, समस्या सभे बटे की जैसे में जैसे में क्या बा, रास्ता निकले के चाहिए, पानी में हिल के ना जाबू, चलिए सड़क ही पर भर पानी हेल हेली, रोपे सो है, लड़का पढ़े नहीं कर सकता तो अभी स्कूल में, स्कूल में पढ़े नहीं जाता, माटी गिरा रास्ता के बगैर पढ़ने नहीं जाता बच्चा, हाँ पढ़े नहीं कर सकता तो पानी हेल के कैसे जाएगा, लड़का माटी गिरा लस अपना घर के ओगर मारा मारी करके टका ला ले रहे, कैसे कैसे लड़का बरियारी माटी गिरा लस अपन पैसा दे, आ तब ये माटी कोड़वा के गाड़ी लिए रहे हैं, हमने के जाके रोक के देनी जा गाड़ी ला के हमने के कोड़े ना दे जाए, मोर अब जाए यही बाबा के कोड़े ना दे जाए, का है हतन जमीन खाती बाबू, हमने के भागत नहीं जमीन दी, हम तो गोलिम फादो में देखबा लड़का हमने के पाकी में
पके मुते ना जाने तो दबाव बना रहा है लोग जानी दबाव बा तब ने खल लो हम निकर आ दे तो कनी ना नली गली बनाव तर लो न तनी ईटा बिछा तर लो तो हम के दुखन बा देखिए अच्छा साहब दिखा दीजिए यही जो है पतला रास्ता है आप कह सकते हैं कि ये पगडंडी है जो कि राजभर जाति के लोगों को मेन रोड पर जाने के लिए एकमात्र यही रास्ता जो है विकल्प है लेकिन ऊंची जाति के लोगों के द्वारा स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा बार बार जो है इस राजभर जाति के लोगों को धमकी मिलती है कि जो सड़क है इसको हम जो है कबार देंगे यही ना कहते हैं हां हां बाबा कौन दवा दे तो क्या मांग है आप लोग का हम लोग का रास्ता मांग है तो रास्ता नहीं मिल रहा है हम लोग का बच्चा जो जब पानी में हेल रेल जा रहे हैं पार्क में जा रहे हैं तो हम लोग को दिक्कत हो रहे है ना हम लोग का पानी है घर में गिरता है हम लोग बाल्टी से उठा के इधर डालते हैं तो वो भी बोलते हैं कि पानी गिरता है हम लोग के द्वार पर तो हम लोग गिराएंगे किधर तो हम लोग को कुछ नहीं चाहिए हम लोग को रास्ता चाहिए बस आप लोग का समस्या है रास्ता चाहिए हाँ हम लोग का समस्या रास्ते है बच्चा उच्चा पढ़ने उड़ने जाता है ना हाँ पढ़ने जाते हैं तो क्या पढ़ने का फायदा एक महीना पढ़ते हैं तो छह महीना पढ़ते हैं बाकी को जो से बरसात को जो से घर में रहते हैं बच्चे घर में लैटरिन करते हैं हम लोग का बच्चे क्या करेंगे रास्ता है नहीं तो कहाँ जाएंगे बच्चे सिर्फ रास्ते की वजह से इतना बड़ा समस्या हाँ है ना सब कुछ रास्ते को जो से हो रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं कि रोड सड़के तो सब तो चक्का चक मुख्यमंत्री आके दिखाइए ना हम लोग को रास्ता देना चाहिए ना उसको मुख्यमंत्री किस काम का है सब लोग बोलते हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री रोड बनवा देंगे रोड कहाँ बन रहा है हाँ तो मुखिया और वार्ड से पूछिए आप लोग सवाल हाँ वो लोग तो चाहते हैं बनवाने का लेकिन जिसका जमीन है वो बोल रहा है कि नहीं हम लोग देंगे जमीन तो बनेगा किधर से वोट वोट देती है ना हाँ देते है ना वोट देती है तो आपको रास्ता भी नहीं दे सकता है तो रास्ता कौन देता है जिसका जमीन है वो बोल रहा है कि मेरा जमीन है जेसीबी लगा के बनवा देंगे घर भी फंसवा देंगे तो हम लोग रहेंगे किधर इतना बड़ा धमकी हाँ धमकी मिलता है ना आपको नहीं विश्वास तो चलो हम लोग गली में दिखाते हैं कितना हम लोग सकेता में रहते हैं कितना दिक्कत समस्या हम लोग का है तो क्या मांग है क्या मांग है हम लोग को सिर्फ कुछ नहीं मांग हम लोग को रास्ता चाहिए रास्ता चाहिए हाँ रास्ता चाहिए हम लोग को गली गली में इतना कचरा है ना आप रास्ता डालेंगे लात डाल पैर भी डालेंगे तो बोलेंगे कि कैसा रास्ता है पूरा देश जो है शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार के लेकर सवालों को जो है हम लोग का घर का ये पानी गिरता है ये खेत है उसका तो बोलते हैं कि हमारा खेत में पानी नहीं आना चाहिए तो हम लोग का अपना बक्से में घर में घर पानी गिराएंगे देखिए बिल्कुल देखिए सले जी थोड़ा सा दिखाइए ये पूरे राजभर जाति के बस्ती है और देखिए कि तमाम लोगों का जो है पानी जो है यहाँ पर आकर इकट्ठा होता है आप देख लीजिए यही एकमात्र जो है कच्चा रास्ता है और वो भी बार बार जो है स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा जो है जो तमाम नाम बता रहे हैं लोग उनसे धमकी मिलता है कि ये जो तुम इस रास्ता से नहीं आ सकते हो इसको मैं यहाँ से उखाड़ कर फेंक दूंगा ऐसी तमाम बातें जो है लोग कहते हैं और इसको लेकर राजभर जाति के लोगों में जो है आक्रोश है और वो आक्रोश आप देख सकते हैं कि आज बाहर निकल कर आया हुआ है।